पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि जब मृत्यु के बाद एक व्यक्ति आत्मा लोक में जाता है तो जो पहला उसका कार्य होता है वो किस प्रकार से एक चमकीले और गर्माहट भरे सुकून देने वाले प्रकाश के अंदर जाता है। अब ये प्रकाश करता क्या है? ये प्रकाश जो भी उस व्यक्ति के पिछले जीवन के बंधन रहे हैं, पूर्व जीवन में जो वो एक जीवन जी के आया है, अभी अभी वो उसकी मृत्यु हुई है, वो उन बंधनों से उस ऊर्जा के द्वारा मुक्त होता है। ये उसके अंदर बदलाव लाने के लिए है, ताकि वो फिर से पूरा बन सके, ताकि वो उस आत्मा लोक के अनुकूल बन सके। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो एक, इसे आप उपचारी फवारे की तरह कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा का, गर्माहट भरा पीसफुल ऊर्जा का एक फवारा है जो आत्मा के ऊपर बरसाया जाता है। लेकिन जो कम अनुभवी आत्माएं हैं, कम अनुभवी मतलब जिन्होंने कम जन्म लिए हैं, वो इस ऊर्जा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो कई जन्म ले चुकी आत्माएं हैं, वो जब इस फवारे के नीचे से गुजरती हैं तो वो ज़्यादा आसानी से इस ऊर्जा को ऑब्जर्व करके अपनी सारी नकारात्मकता को समाप्त कर पाती हैं। वो इसलिए क्योंकि शायद ये उनके कई जन्मों के अनुभव हैं और वो इस एक्सपीरियंस से कई बार निकली हैं। और इस एक विश्राम कक्ष कह लीजिए, इस आराम के बाद आत्मा अपने मार्गदर्शक के साथ, अपने मार्गदर्शक से बात करने के लिए एक स्थान की ओर जाती है। ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो आत्मा अभी अभी आत्मलोक में आई है, वो और उसका मार्गदर्शक, वो दोनों बैठकर एक तरह से जो पिछला अभी अभी जीवन वो जी के आई है उसके विषय में विचार विमर्श करते हैं। और ये जो एक बातचीत होती है, इस बातचीत के बाद, इस फवारे से गुजरने के बाद आत्मा अनुकूल होने लगती है आत्मा लोक के। ऐसे समझ लीजिए कि वो एक नए स्थान पर जाके उसके अनुरूप ढलने लगती है। और ये जो हमारे मार्गदर्शक से पहली मुलाकात होती है, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत खोजी किस्म के भी होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपके प्राइमरी स्कूल का कोई सबसे आपका फेवरेट टीचर, बस वो इस तरह से होते हैं। हमारे मार्गदर्शक बहुत दृढ़ होते हैं, लेकिन सेम टाइम वो हमारी चिंता भी करते हैं। वो हमारी हर अच्छाई से, हर बुराई से, हर आदत से, हर विचार से, वो हर चीज़ से वाकिफ हैं। हमारे मार्गदर्शक हमारे आत्मलोक में तो वो हमें प्रत्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन वो इस धरती पर भी हमारे साथ हैं। लेकिन वो हमारे लिए तब तक हमें इशारा दे सकते हैं, तब तक हमें गाइड कर सकते हैं जब तक एक आत्मा खुद कर्म करके कुछ करने की स्टेज पर है। जैसे एक टीचर कौन से बच्चे को पढ़ा सकता है? उसे जो खुद पढ़ना चाहे, जो खुद किताब उठाना चाहे, जो खुद कलम उठाना चाहे, टीचर उसी को पढ़ा सकता है ना, बस उसी तरह से। लेकिन स्थिति चाहे जो भी हो, आप अपने मार्गदर्शकों से कुछ छुपा नहीं सकते। ये एक टेलीपैथी का संसार है, वहाँ आप कुछ नहीं छुपा सकते, वहाँ छल कपट का कोई स्थान नहीं है। यहाँ है, यहाँ आप मन में कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, वहाँ नहीं है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये जो स्थान है जहाँ पर मार्गदर्शक के साथ एक मुलाकात है, पहली मुलाकात है, जीवन के विषय में पहली बातचीत है, इसका जो परिवेश है, इस स्थान की जो एक ऊर्जा की जो तीव्रता है इस स्थान पर, उसका एक्सपीरियंस हर आत्मा अपने स्तर के मुताबिक अलग अलग करती है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि आत्मा लोक में आत्मा का जो विकास का स्तर है, जो उसकी स्टेज है, जैसे अब इस धरती पर आप हैं, तो इस धरती पर आपको क्या प्राप्त होता है? आप धन लेकर मार्केट में जाते हैं, जितना आपके पास धन होता है उतनी वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। बस इसी तरह से आत्मा लोक में आप क्या लेकर गए? आत्मा लोक में आप अपने कर्मों का खजाना लेकर गए। वहाँ आपने अपने आत्मिक विकास की जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, अपनी आत्मा का जितना विकास किया है, आप वो लेकर गए।
उसी के अनुरूप आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप किस स्थान में हैं, आप किस परिवेश में हैं। सीधी सरल बात है, यहाँ पर आपको तोलने का पैमाना धन है, वहाँ पर आपको तोलने का पैमाना आपका आत्मिक विकास है, आपकी आत्मा का स्तर है। अब मैं आपके सामने एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस को बयां कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था कि आत्मा को उसके स्तर के मुताबिक स्थान का एहसास होता है, मार्गदर्शक से मुलाकात का जो स्थान है उसका एहसास होता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस बयां कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की फीलिंग्स हुई? उन्हें ऐसे लगा जैसे कि वो अपने बचपन के बेडरूम में हैं। वही पलंग है, वैसा ही दीवार है, दीवार के ऊपर वैसे ही एक गुलाब की पेंटिंग टंगी हुई है और बेड के ऊपर उनकी दादी माँ के हाथ की बनाई हुई एक मोटी सी रजाई है। ये वो जगह है जहाँ वो बचपन में अपनी दादी के साथ उनकी बगल में उनको कस के पकड़ कर लेटा करता था, अपने दिन भर का हाल अपनी दादी को सुनाया करता था, उसकी दादी उसे कहानियाँ सुनाया करती थी और उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी दादी तो यहाँ भी है। वही झुर्रीदार चेहरा, वही प्यार से भरी आँखें और उसी प्यार से बाहें पसारे वो मेरा इंतज़ार कर रही है। बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि ये एफेमस थी। एफेमस उसकी मार्गदर्शक का नाम था, ये उसकी मार्गदर्शक थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। एफेमस के साथ बैठकर उस व्यक्ति ने अपने जो अभी अभी उसका जीवन ख़त्म हुआ है उससे जुड़ी सारी सुख दुख की बातें करी। उसने बहुत सारी गलतियां भी की थी, उसने उसका जिक्र भी किया, लेकिन एफएमएस उसके साथ बहुत दयालु थी, उसे सब पता था, वो जानती थी उसने कुछ गलतियां भी की हैं। और फिर उसने एफएमएस के साथ उन बातों का जिक्र भी किया जो उसको जीवन में करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं करी। लेकिन अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी दादी माँ जानती थी कि मैं यहाँ आराम करना चाहता हूँ, ये मेरा घर है, आत्मा लोक हमारा घर है। जब मृत्यु के बाद आत्मा इस दुनिया से छूटकर उस दुनिया में जाती है तो वो अपने घर जाती है। वो ऐसा सुकून होता है जैसा बच्चा स्कूल से छूटकर जब घर आता है तो वो कितना रिलैक्स होता है, जूते यहाँ फेंक दिए, बस्ता वहाँ फेंक दिया, बस अब जल्दी से पंखा चलाओ, मैं लेट रहा हूँ, मम्मी आएगी अपने आप मेरा बस्ता संभालेगी, मुझे खाना खिलाएगी। कितना रिलैक्स होता है ना बच्चा जब अपने घर आता है, स्कूल से छूटकर घर आता है। बस आत्मा की भी सेम यही स्टेज होती है जब वो इस धरती को छोड़कर आत्मा लोक पहुँचती है, अपने मार्गदर्शक के साथ बैठती है, अपने जीवन की बातें करती है, वो उस जीवन की जो वो जी कर आई है। आगे वो व्यक्ति कहता है कि मुझे अब परवाह नहीं थी कि मैं वापस उस भूलोक पे जाऊंगा भी या नहीं। एक्चुअली उसे इच्छा ही नहीं थी कि वो वापस इस भूलोक में जाए। अपने घर आने के बाद क्या बच्चे को ऐसी चाहत होती है कि वो दोबारा स्कूल जाए? कितने खुश होते हैं ना बच्चे जब छुट्टी होती है। बस ऐसी ही स्टेज उस व्यक्ति की थी। अब उसे भूलोक पे वो जीवन ले, दोबारा से एक जीवन जिए, उसकी चाहना ही नहीं थी उसके मन में। जैसे इस स्टेज में उस व्यक्ति की मुलाकात अपने मार्गदर्शक से तब हुई जब वो उस उपचारी फवारे से बाहर आया। उससे पहले भी उसका मार्गदर्शक उसके साथ था लेकिन उसे एहसास नहीं था। लेकिन लगभग 10% आत्माएं ऐसी होती हैं जो मृत्यु के फौरन बाद अपने मार्गदर्शक को देखती हैं, और वो जो उपचारी फवारा है जहाँ से वो एक सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर रही है आत्मा, उससे भी पहले वो अपने मार्गदर्शक के साथ अपनी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं। इस तरह की आत्माएं 10% ही हैं जो इस एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं। अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि मार्गदर्शक जो भी वो व्यक्ति
पिछला जीवन जी के आया है उसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराती है, जिस भी प्रकार का उसने जीवन जिया है। जैसे कि बच्चा एक पेपर देता है तो उसने जितना भी नंबर लिया है पेपर में उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पर है। टीचर ने एक समान पढ़ाया, बच्चे ने अपनी काबिलियत के मुताबिक एग्ज़ाम में नंबर पाए, बस इसी तरह से जो पिछला जीवन जी के आत्मा आई है उसकी सारी जिम्मेवारी आत्मा पर ही है। और एक आत्मा ने अपने पिछले जीवन में किस तरह का प्रदर्शन किया है इस बात का फैसला इस बात से किया जाता है कि उस इंसान ने अपने जीवन का क्या अर्थ निकाला, उसमें किस तरह के कार्य किए, किस हद तक अपने अवचेतन मन को जगाए रख पाया वो। क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर सबसे बड़ी जो एक परीक्षा समझ लीजिए और परीक्षा में उत्तीर्ण होना समझ लीजिए, वो हम कितना अपने अवचेतन मन को जागृत करके उसका इस्तेमाल कर पाते हैं वही है। यहाँ पर जैसे कि कुछ नई आत्माएं हैं जिन्होंने कम ही जीवन लिए हैं, एक या दो जीवन लिया है, इस तरह की जो आत्माएं होती हैं जो उनके मार्गदर्शक होते हैं वो उनका बहुत खास ख्याल रखते हैं, ऐसे जैसे कि छोटे बच्चे का टीचर को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसकी उंगली थामे थामे चलना पड़ता है, वो रास्ता ना भटक जाए। बस इसी तरह से जो कम अनुभवी आत्माएं हैं जिन्होंने कम जीवन लिए हैं उनका ध्यान उनके मार्गदर्शकों को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जो बिल्कुल कम जीवन जी के आने वाली आत्माएं हैं उनके लिए एकदम से शारीरिक अवस्था को छोड़ के आत्मिक अवस्था में आ जाना, इस चीज़ के साथ बैलेंस करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं आपके सामने इसी अनुकूलन के क्षेत्र का वर्णन करूंगी, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस अब जो मैं आपको सुनाऊंगी ये एक 32 साल की महिला जिसका नाम हेस्टल है, हेस्टल एक बहुत ही धाकड़ किस्म की, एक कद औसत कद काठी वाली लेकिन बहुत धाकड़ मर्दाना किस्म की, जीन्स बूट पहनने वाली, एक ढीली ढाली कमीज पहनकर, जीन्स बूट पहनकर और बहुत ही एक उत्तेजित सी अवस्था में वो डॉक्टर न्यूटन के पास आई। जो ये महिला थी ये इनका जो व्यक्तित्व था वो पूरी तरह से मर्दाना व्यक्तित्व था, समझ लीजिए जैसे महिला के शरीर में एक पुरुष की आत्मा हो, कुछ इस तरह का उनका नेचर था। अब इस किस्से को जो ये एक हेस्टल नाम की महिला का केस है इसे मैं डिटेल में अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, और इस केस से हमें काफ़ी कुछ समझने और सीखने को मिलेगा जिसे हम अपनी ज़िंदगी पर लागू करके उसे सुधार पाएं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे, आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।